like you, I'm supposed to fight. Protect the people. तो फाइनली दोस्तों जेम्स कैमरन के डायरेक्शन में बनने वाली विजुअली मार्वलस फिल्म अवतार द वे ऑफ वाटर ने दुनिया भर के बॉक्स ऑफिस पर अपने 2 हफ्ते पूरे कर लिए हैं और इन 2 हफ्तों के बाद दोस्तों ये फिल्म इंडिया से और दुनिया भर से कितने कमाई कर चुकी है, कौन कौन से रिकॉर्ड्स दोस्तों इस फिल्म ने अपने नाम किए हैं और क्या ये फिल्म $2 बिलियन के आंकड़े को पार करने वाली है या नहीं, ये इस वीडियो में हम जानने वाले हैं। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। अगर आप भी इन फिल्मों का इंतजार बेसब्री से कर रहे थे, बॉक्स ऑफिस से जुड़ी सभी बड़ी अपडेट चाहते हैं, तो चलिए बात करते हैं। तो दोस्तों जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जेम्स कैमरन जो कि इससे पहले टाइटेनिक, टर्मिनेटर और अवतार जैसी ब्लॉकबस्टर फिल्में दे चुके हैं, उनके ही डायरेक्शन में बनने वाली एक और विजुअली आउटस्टैंडिंग फिल्म है अवतार द वे ऑफ वाटर, जो कि आपको एक नया एक्सपीरियंस देती है। इस फिल्म को देखने के बाद ऑडियंस दोस्तों इस फिल्म के CGI के अलावा इस फिल्म की जो लोकेशन है और इस फिल्म की जो खूबसूरती है वो कभी नहीं भूलने वाली। बताते चले दोस्तों आपको कि लगभग $400 मिलियन यानी कि 3200 करोड़ रुपए से ज्यादा के बजट से बनाई गई अवतार द वे ऑफ वाटर को इंडियन बॉक्स ऑफिस पर पिछले हफ्ते 3800 से ज्यादा स्क्रीन्स पर रिलीज किया गया था। इन 3800 स्क्रीन्स पर इस फिल्म ने अपने पहले ही दिन ऑल इंडिया ग्रॉस पर यानी कि सभी भाषाओं में 50 करोड़ रुपए के आंकड़े को पार करके दिखा दिया था कि यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर कई सारे रिकॉर्ड तोड़ सकती है। दुनिया भर में भी दोस्तों इस फिल्म ने $134 मिलियन के आंकड़े को पार कर दिया था, यानी कि लगभग 1200 करोड़ रुपए तो इस फिल्म ने सिर्फ अपने पहले ही दिन कमा लिए थे। लेकिन अगर बात की जाए यहां पर इस फिल्म के अभी तक के टोटल बॉक्स ऑफिस की, तो दोस्तों बता दें आपको कि इस फिल्म ने अपने फर्स्ट वीक में इंडियन नेट बॉक्स ऑफिस पर 193 करोड़ और ग्रॉस बॉक्स ऑफिस यानी कि हिंदी, तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम भाषा के साथ जो पूरा टोटल कलेक्शन है वो 235 करोड़ से ज्यादा हो चुका था। वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस पर यह फिल्म लगभग $661 मिलियन के आंकड़े को पार कर चुकी थी। लेकिन अगर बात की जाए सेकेंड वीक की, तो दोस्तों क्रिसमस की छुट्टियां होने की वजह से अपने सेकेंड वीक में भी यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर काफी अच्छी कमाई करने में कामयाब रही और यही वजह है दोस्तों कि इस फिल्म ने अपने सेकेंड वीकेंड में भी जहां लगभग 60 करोड़ से ज्यादा की कमाई इंडियन नेट बॉक्स ऑफिस पर की, तो वहीं दोस्तों वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस पर भी ये फिल्म लगभग 300 मिलियन से ज्यादा की कमाई सेकेंड वीकेंड में कर चुकी थी। अगर बात की जाए इस फिल्म के अभी तक के टोटल की, तो दोस्तों बता दें आपको कि अपने शुरुआती 13 दिनों तक इस फिल्म ने इंडियन नेट बॉक्स ऑफिस पर जहां 284 करोड़ रुपए के आंकड़े को पार कर दिया था, आज की भी इस फिल्म की जो एडवांस है वो 4 करोड़ रुपए की है। मॉर्निंग और आफ्टरनून ऑक्यूपेंसी भी दोस्तों इस फिल्म की आज की काफी स्ट्रांग है। यही वजह है दोस्तों कि यह फिल्म आज भी लगभग 9 करोड़ रुपए के आंकड़े को इंडियन नेट बॉक्स ऑफिस पर पार कर रही है। इसी के साथ दोस्तों इस फिल्म का जो टोटल कलेक्शन है वो लगभग 293 करोड़ रुपए का इंडियन नेट बॉक्स ऑफिस पर हो चुका होगा। इंडियन ग्रॉस बॉक्स ऑफिस की बात की जाए तो दोस्तों इंडियन ग्रॉस बॉक्स ऑफिस पर यह फिल्म लगभग 358 करोड़ रुपए के आंकड़े को पार कर चुकी होगी और दोस्तों 350 करोड़ रुपए के प्रेस्टिजियस क्लब में यह फिल्म इंडियन बॉक्स ऑफिस पर शामिल हो चुकी होगी। वहीं दोस्तों वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस की बात की जाए तो वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस पर दोस्तों ये फिल्म अपने शुरुआती 12 दिनों तक $1 बिलियन के आंकड़े को पार कर चुकी थी। कल दोस्तों इस फिल्म का जो बॉक्स ऑफिस पर कलेक्शन था वो भी काफी बेहतरीन रहा और लगभग $40 मिलियन के आंकड़े को इस फिल्म ने कल भी दुनिया भर से कमाए, तो वहीं दोस्तों आज भी ये फिल्म लगभग $35 मिलियन के आंकड़े को पार कर रही है, जिससे कि इस फिल्म का वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस पर जो टोटल कलेक्शन है वो $110 बिलियन के आंकड़े को पार कर रहा है, जो कि दोस्तों दुनिया भर के टॉप 40 फिल्मों में इस फिल्म को शामिल करवा देता है। यानी कि दोस्तों ये फिल्म जिस तरह की कमाई इंडियन बॉक्स ऑफिस और वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस पर कर रही है, जल्द ही दोस्तों ये फिल्म $2 बिलियन के आंकड़े को पार करके वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस पर एक बड़ी ब्लॉकबस्टर बन जाएगी और इस फिल्म के जो अगले पार्ट्स का इंतजार सभी ऑडियंस बेसब्री से कर रही है उनकी भी रिलीज डेट फाइनल कर दी जाएगी। आपको क्या लगता है दोस्तों, क्या अवतार द वे ऑफ वाटर वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस पर $2 बिलियन के आंकड़े को पार करेगी या नहीं? हमें अपनी राय कमेंट करना बिल्कुल ना भूलिएगा और बॉक्स ऑफिस बॉलीवुड साउथ से जुड़ी सभी बड़ी अपडेट्स के लिए दोस्तों आपके अपने चैनल रिव्यू बाजार को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।